नगर विधानसभा के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने जन संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता से संवाद किया। इस अवसर पर रैली का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जैसे जैसे 2022 विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। गजा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम और रैली में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग रैली स्थल पर पहुंचे। गजा समुद्र तल से लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना बता रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के बाद भी लोग चुनावी रैलियों में पहुंच रहे हैं। आज के इस संवाद कार्यक्रम और रैली का मुख्य कारण आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट की दावेदारी को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि 2017 में पूर्व विधायक ओम गोपाल को टिकट न देकर भाजपा ने कांग्रेस से भाजपा में आए सुबोध उनियाल को टिकट दिया था। इस जनसंवाद रैली में क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने अपने संबोधन में कहा कि 2002 में उन्होंने नरेंद्र नगर विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा और 2007 में वे विधायक बने और खंडूरी सरकार का हिस्सा रहे। ओम गोपाल रावत ने साफ शब्दों में कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और उन्होंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है। ओम गोपाल रावत के भाषण से प्रभावित होकर भीड़ ने बीच बीच में उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की। इस बीच लोग ओम गोपाल रावत जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आपको बता दें कि ओम गोपाल रावत ने जनता से पूछा कि क्या वे चाहते हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे। पंडाल में मौजूद भीड़ ने दोनों हाथ उठाकर ओम गोपाल रावत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मांग की है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का टिकट पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत को दिया जाए। सभा में ये भी निर्णय लिया गया कि यदि 2022 में भारतीय जनता पार्टी ओम गोपाल रावत को टिकट नहीं देती, तब भी ओम गोपाल रावत चुनाव लड़ेंगे और वे चुनाव मैदान में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से ओम गोपाल रावत को टिकट देती है या वर्तमान सरकार में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल पर ही दाव खेलती है, यह तो समय ही बताएगा। वहीं इस दौरान ओम गोपाल रावत काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। यह क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने हमको वादा करा था, ये अभी जब हमको वापस लिया था, कि पूरा 100% जो है हमको भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है और वो हमारे साथ न्याय करेगी, लेकिन 1% भी कहीं पे जो है कोई ऊंच नीच होती है तो मेरे को क्या करना चाहिए, ये हमने आज आम जो हमारे 2002 से जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था तब से लेकर अब 2022 का चुनाव आने वाला है, जो लोग हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जो है खड़े रहे हैं, आज वो तमाम लोग जो है यहाँ पर उपस्थित थे और उनसे जो है हमने डायरेक्ट संवाद कराया कि भाई ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इसके बारे में हमको स्पष्ट जो है वो बता दे। आज जनता ने जो है जनता क्या जो हमारे तमाम जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे तमाम साथी हैं, उन सब का आज मैं जोश खरोश देखकर उनकी जो ताकत हमेशा मेरे को मिलती रही है, आज उनके जो उन्होंने मेरे को हौसला अफजाई करी है और बिल्कुल मेरे को आश्वस्त करा है कि कोई सा भी निर्णय हो हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, ये आज आपके सामने जो है सबने जो है यहाँ पर जो है बता दिया है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।